हेलो गाइस, वेलकम बैक टू असॉल्ट राइफल गेमर्स। एटा साहब क्या बोलते हो, कैसे होंगे हमारे सब्सक्राइबर्स? हमारे वीडियोस देख रहे हैं ना, बहुत बुरे होंगे। क्या मतलब? मेरा कहना है कि बहुत बढ़िया होंगे साहब। हाँ हाँ, चल ठीक है। एटा साहब इंट्रो प्लीज। That's all right. गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि इंडिया के दो बेस्ट चैंपियन प्लेयर राजस्टार भाई और ज्ञान भाई की तरह कैसे खेल सकते हैं। चलिए हमारे टिप्स की ओर बढ़ते हैं। गाइस, इसका मतलब है कि हमें गेम चेंजर बनने के लिए पहले गेम प्लेयर बनना चाहिए। राजस्टार भाई या ज्ञान भाई की तरह गेम चेंजर बनना उतना आसान भी नहीं है। गाइस आपको राजस्टार भाई और ज्ञान भाई की एक क्लिप प्ले करते गाइस, उसको बहुत ध्यान से देखो। गाइस, इस क्लिप में राजस्टार भाई ट्रैक करने के लिए कोशिश कर रहे थे गाइस, पर अभी राजस्टार भाई तो एक ड्रैग के किंग बने। गाइस, इसके पीछे बहुत सारी मेहनत है। गाइस, लाइफ में कुछ भी आसानी से नहीं मिलता है और आसानी से मिलने वाली चीज़ में सेटिस्फैक्शन नहीं होती है गाइस। गाइस, राजस्टार भाई या ज्ञान भाई यूँ ही फेमस नहीं हुए गाइस, उनको ज़्यादा गेम्स खेलना पड़ा, ज़्यादा मेहनत करना पड़ा और उनके हेटर से कमबैक करना पड़ा, नई चीज़ों को सीखना पड़ा और इन सबको करने के बाद ही राजस्टार भाई और ज्ञान भाई को सक्सेस मिल गया था गाइस। गाइस, अभी ज्ञान भाई और राजस्टार भाई बहुत खुश होंगे गाइस, क्योंकि उनके सालों की मेहनत के बाद ये सक्सेस मिली। सालों मेहनत करने के बाद मिलने वाली सक्सेस की फीलिंग ही कुछ नेक्स्ट लेवल की होती है गाइस। गाइस, आपको गेम चेंजर बनने के लिए ज़्यादा गेम्स खेलना पड़ेगा, आपके अंदर बहुत सारा कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा, खुद को सेल्फ मोटिवेटेड रखना पड़ेगा। जब आप ये सारे काम मैनेज कर लोगे तो आप ज़रूर एक दिन राजस्टार भाई और ज्ञान भाई बन सकते हो गाइस। चलिए गाइस, हम एक दूसरे टिप की ओर बढ़ते हैं। गाइस, कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है गाइस जो एक नूब को भी अल्ट्रा लेजेंड बना सकता है। कॉन्फिडेंस से ही हमारा पूरा गेम डिपेंड होता है गाइस। आपके अंदर कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है तो आप उतना अच्छा गेम प्लेयर बन सकते हो गाइस। राजस्टार भाई और ज्ञान भाई की सक्सेस का सीक्रेट उनके कॉन्फिडेंस है गाइस। अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि राजस्टार इज़ बेस्ट वन टैप प्लेयर, ज्ञान सुजन इज़ बेस्ट AWM प्लेयर। क्यों ऐसे बोलते हैं गाइस? क्यों ऐसे बोलते हैं सोचो गाइस? क्योंकि उनकी कॉन्फिडेंस और उनकी गेम प्ले ही उनको गेम की चैम्पियंस बना दी गाइस। अभी फॉर एग्जाम्पल हमारे चैनल को ही लेंगे गाइस, हमको ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं है, व्यूज़ नहीं आते, तो क्या हमारे वीडियोज़ को रोक दे, कंटेंट को छोड़ दे? गाइस, नेगेटिव सोचने से नेगेटिव ही होता है गाइस, पॉजिटिव सोच के देखो। अभी हमको 200 सब्सक्राइबर्स हैं और हमारे 8 वीडियोस को सिर्फ 1400 व्यूज आए गाइस। गाइस, पर हमको कॉन्फिडेंस है कि हम एक दिन ज़रूर 100 के रीच होंगे और हमारे सक्सेस में बहुत सारे लोग को सेल्फ मोटिवेटेड और पॉजिटिव थिंकर्स बना देंगे गाइस। गाइस, कमबैक होना हमारे फ्री फायर में बहुत ज़रूरी होता है गाइस। गाइस, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जब वो एक रैंक मैच में 10 किल करके बुया लेते हैं, खुद को प्रो समझते हैं, और जब दूसरा मैच उतरने पे ही मर जाते हैं तो खुद को नूब समझते हैं। गाइस, ये सोच बिल्कुल गलत है और हमको हमारे सोच को बदल लेना चाहिए गाइस। हम जब जीतते हैं या हारते हैं तो ऐसा सोचना है कि हमको दूसरा मैच में और भी अच्छा खेलना चाहिए, और भी अच्छा से परफॉर्म करना चाहिए, कुछ नए ट्रिक्स को इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे राजस्टार भाई की तरह वन टैप हेडशॉट्स, ज्ञान भाई की तरह AWM कैसा चला है। बल्कि हमको ये नहीं सोचना है कि हम तो प्रो है या हम तो नूब है। और जब रैंक माइनस होता है तो उदास नहीं होना चाहिए, बल्कि नेक्स्ट मैच में राजस्टार भाई और ज्ञान भाई की तरह लेजेंडरी लेवल कमबैक करने के लिए कोशिश करना चाहिए गाइस। गाइस, इसका मतलब है कि हमें पहले
किसी अच्छे फ्री फायर यूट्यूबर जैसे ज्ञान भाई, राजस्टर भाई की मॉन्टेज को देखना चाहिए और फिर हमको गेम स्टार्ट करना चाहिए। गाइस, इससे क्या होगा कि जब आप मॉन्टेज देखते हो आपको एक इंस्पिरेशन मिलेगा गाइस कि हमें भी इनके तरह अच्छा खेलना चाहिए। और जब आप मैच शुरू करते हो आप ही उनके ट्रिक्स को इस्तेमाल करना शुरू करोगे और गेम को अच्छे तरह खेलना सीख लोगे। गाइस गाइस, आप एक बार ज़रूर इस टिप को फॉलो करके देखो गाइस, आपको अपने गेम प्ले में अच्छे रिजल्ट्स दिखेंगे। गाइस, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गेम प्ले के अलावा कॉस्ट्यूम्स और टॉप अप इवेंट्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। गाइस, ये बिल्कुल गलत है। गाइस, हमको टॉप अप इवेंट और कॉस्ट्यूम्स में ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, इससे हमको कुछ लॉस है गाइस, क्योंकि जब हमको टॉप अप इवेंट और कॉस्ट्यूम्स मिलते हैं तो ठीक है गाइस, हम बहुत खुश रहेंगे, पर जब हमको नहीं मिलता है तो बहुत उदास हो जाएंगे गाइस। इसलिए मैं बोलता हूँ कि टॉप अप इवेंट्स और कॉस्ट्यूम्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दो, बस गेम प्ले पर कॉन्सेंट्रेट करो। गेम प्ले अच्छा रहता है तो अच्छे गिल्स ही आपको लेने के लिए अप्रोच होंगे और वो गिल्स ही आपको डायमंड्स देंगे गाइस, इसलिए गेम प्ले पर कॉन्सेंट्रेट करो गाइस। गाइस, हमारे फ्री फायर कम्युनिटी ऐसा है कि जिसका गेम प्ले अच्छा रहता है उसको ही हम रेस्पेक्ट देते हैं और जो टॉप अप करता है उसको रेस्पेक्ट नहीं देते गाइस। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।